नमस्कार, टिकटों की खरीद बिक्री जारी है। मैं खेल मैदान के टिकटों की बात नहीं कर रहा, नहीं रेल की या हवाई टिकटों की बात कर रहा, मैं चुनावी टिकटों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बात नगर निगम चुनाव की है, बात धोरों की धरती राजस्थान की है, बात गुलाबी नगरी जयपुर की है। मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। ये वीडियो जयपुर की जनता के लिए खास है, क्योंकि जयपुर की जनता का इम्तिहान अब पास है, यानी चुनाव हो रहे हैं पार्षदों के, और टिकटों की खरीद बिक्री का दौर भी शुरू हो गया है। यानी पार्टी फंड के रूप में टिकट देने से पहले ये उम्मीदवार से बात अब होने लग गई है। अब आप कहेंगे कि राजनीति में ये कौन सी बड़ी बात है। मैं मानता हूं बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपसे एक सवाल है। गुलाबी नगरी के वासियों, आपके क्षेत्र का कोई ईमानदार कर्मठ उम्मीदवार, जिसने अगर आपके क्षेत्र में ईमानदारी के साथ काम किया और आज जब उसका नाम टिकट की दौड़ में आया, सर्वे में आया, और उसे टिकट के लिए समझ लीजिए बुलाया भी गया, और उसके बाद उससे पार्टी फंड के लिए लाखों के रुपए की मांग की गई, अब आप ये बताइए, आपका वो नैतिक ईमानदार उम्मीदवार पार्टी फंड में रुपए कहाँ से लाएगा? और अब एक सवाल और सुन लीजिए, अगर उसने रुपए वहां दे दिए, तब फिर क्या इस बार आपका वो सच्चा उम्मीदवार क्या ईमानदार रह पाएगा? अब आप सोचिए कि भ्रष्ट बनाता कौन है। मैं मानता हूं राजनीति में बहुत सारे लोग पहले से भ्रष्ट ही आते हैं, और बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, जुगत भिड़ा करके आते हैं, और फिर जीत जाने के बाद वो दौलत की इमारत बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सच्चे भी होते हैं ना, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, भले ही वो अपवाद स्वरूप हों। अब बताइए, इन लोगों के प्रति क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जयपुर की जनता की जिम्मेदारी इन लोगों के लिए नहीं बनती? आज का वीडियो राजनेताओं के लिए नहीं है, आज का ये वीडियो पार्टी संगठन के नेताओं के लिए भी नहीं है, आज का ये वीडियो जयपुर की जनता जनार्दन के नाम है। और आपसे मैं संजय सनम ये अपील करता हूँ, आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को पहचानिए। पिछली बार जो आपका उम्मीदवार था, अगर वो उम्मीदवार नेक था, ईमानदार था, आपके सुख दुख का साथी था, आप एक बार उससे फोन लगा करके पूछिए कि भाई इस बार फिर आ रहे हो ना? और अगर आपका उम्मीदवार अपनी ईमानदारी को बचाते हुए अगर आपसे ये कह दे कि इस बार पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया है, तब फिर आपका दायित्व क्या बनता है? अब बस यही आपको सोचना है। अगर आपने उस उम्मीदवार को कह दिया कि भाई पार्टी के टिकट की आवश्यकता नहीं, जनता का टिकट तुम्हारे पास है, तुम जनता के सिंबल से लड़ोगे, यानी हमारे विश्वास की धरोहर तुम्हारे पास है, तुमने 5 साल जनता का जो विश्वास जीता है, हम
उसका एहसान पाई पाई चुकाएंगे, बिना पार्टी के सिंबल, बिना पार्टी के टिकट और बिना चुनावी खर्च के हम तुम्हें न सिर्फ अपना उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि इस चुनौती से पार भी लगाएंगे, यानी विजय शंखनाद भी कराएंगे। अगर जनता ये समझ ले, अगर जनता ये कर ले, तो ये जो पार्टियां, पार्टी के संगठन जो पार्टी के नाम पर फंड की उगाही करते हैं और जो अपने उम्मीदवार को भ्रष्ट बनाने की पहली शिक्षा देते हैं, उन लोगों को चपत लग जाएगी, उन लोगों को एक सबक मिल जाएगा। इसलिए जयपुर की जनता से यह विनम्र अपील करता हूं कि आप जगिए, आपका इम्तहान पास है। आपके अपने क्षेत्र में नेक उम्मीदवार आए, ईमानदार उम्मीदवार आए, इस वक्त आप पार्टी मत देखिए, आप व्यक्ति देखिए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव विशेष विशेष रूप से व्यक्ति के लिए होता है। सांसद का जब चुनाव होता है तब निश्चित रूप से पार्टी की नीतियां राष्ट्र के संदर्भ में भी देखी जाती है, लेकिन वहां पर भी कई उम्मीदवार जो जनता के होते हैं वो अपने दम पर जीत कर आते हैं, क्योंकि जनता उन्हें जिताती है। नगर निगम के चुनाव में टिकटों की खरीद बिक्री के इस गोरख धंधे में जयपुर की जनता को जगना होगा। जयपुर की जनता को उन पार्टियों के, उन पार्टी के संगठनों को, उन पार्टी के नेताओं को और उन भ्रष्ट उम्मीदवारों को सबक सिखाना होगा। याद रखिएगा, जो उम्मीदवार लाखों रुपए देकर के टिकट लाएगा, वो उम्मीदवार चुनाव जीत करके पहले अपना घर बनाएगा, पहले अपना वो रुपया जो उसने चुकाया है पहले वो बनाएगा। अब बताइए वो ईमानदार कैसे रह पाएगा। मोदी जी ने कहा था, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अफसोस मोदी जी की पार्टी भी इस स्लोगन पर सही रूप से नहीं चल पा रही, यानी कुछ हवाएं हमें इस तरह का अंदाज बता रही है, कुछ इस तरह के एहसासों की बरसात की संभावना जता रही है। व्यूअर्स, आज हम किसी पार्टी को निशाने पर नहीं लेंगे, किसी नेता को निशाने पर नहीं लेंगे, लेकिन हमने जो कहा है वो पुख्ता खबर के आधार पर कहा है। हम न तो उस उम्मीदवार का नाम लेंगे न उस पार्टी का नाम लेंगे, लेकिन हाँ, वक्त आने पर हम कुछ खुलासे करेंगे जो जरूरी होंगे। लेकिन आज का वीडियो गुलाबी नगरी जयपुर की जनता के नाम है। आज का वीडियो जयपुर के लिए पैगाम है। जयपुर की जनता जगे, राजनीति को जगाए, भ्रष्टाचार को भगाए, राजनीति के शुद्धिकरण का शंखनाद धोरों की धरती राजस्थान की गुलाबी नगरी से बजे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपने एहसास आप तक पहुंचा रहा हूं। जयपुर वासियों, मेरे इन एहसासों को आप अपने पूरे क्षेत्र तक पहुंचाइएगा और पार्टी की निष्ठा को भूलिएगा, व्यक्ति को देखिएगा, व्यक्ति को पहचानिएगा। सच्चे सरल सेवाभावी ईमानदार व्यक्ति को आप अपने क्षेत्र का उम्मीदवार बनाइएगा। आप थोड़ा सा जगेंगे, आप देखेंगे ये पार्टी के लोग फिर आपके पीछे ही भागेंगे, या फिर टिकट की खरीद बिक्री छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा स्तंभ होता है। लेकिन जनता कई बार अपनी शक्ति को भूल जाती है, इसलिए हमें जामवंत बन करके उनको उनकी शक्ति बताने के लिए, जगाने के लिए आना पड़ता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और आप अगर चाहें
तो डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।